हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल पनीर पकौड़ा, जिसे बनाते टाइम हम पनीर में हरी चटनी की स्टफिंग देंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ही चटपटे बनेंगे। तो हम अब सबसे पहले हरी चटनी बनाएंगे। हरी चटनी बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे पुदीना के पत्ते, एक कटा हुआ टमाटर ले रही हूँ मैं, तीन से चार हरी मिर्च लेंगे हम, और इसमें हम धनिया के पत्ते डालेंगे। हरी मिर्च अपनी स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे और इसे अब हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए, हमारी हरी चटनी तैयार है। अब मैंने ये पनीर के बड़े बड़े पीसेस कट कर लिए हैं और अब मैं इसमें अपने चटनी की स्टफिंग दूंगी। ये देखिए, इस तरह से आप बीच में चटनी को फिल कर दीजिए। ये देखिए, इस तरह से ये चटनी की स्टफिंग हो रही है इसमें। इसी तरह बाकी पीसेस में भी चटनी की स्टफिंग कर लीजिए। ये हमारे पनीर तैयार है। अब हम आधा कटोरी सिंघाड़े का आटा लेंगे, आधा कटोरी कुट्टू का आटा लेंगे, थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और फिर पानी डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका बैटर बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह का बैटर तैयार कर लेंगे हम। अब हम इसमें अपने पनीर के पीसेस को डाल के अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये कोटिंग तैयार है और अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारा पनीर का पकौड़ा तैयार है। इसी तरह बाकी बचे हुए पनीर के पीसेस को भी हम फ्राई कर लेंगे। और ये है हमारे गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आप हमारी आगे की आने वाली रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। थैंक यू।